प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। तो यदि आप देखें तो यह कि अंश में जो बहुपद है इसकी घात दो है और हर में हर को यदि सरल करेंगे तो उसकी घात भी हमें दो मिलेगी। तो इस प्रकार से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि दोनों की घात समान है इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें अंश में जो पद है उसको हर में जो पद मिलेगा उससे भाग देना पड़ेगा और फिर हम आगे इसको सरल करेंगे। सरल करने के बाद जो दूसरा पद प्राप्त होगा उसको हम आंशिक भिन्नों में या पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर दिए गए पद का समाकलन करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। इस पद को सरल करेंगे, गुणनफल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो अब स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि दोनों की जो डिग्रियाँ हैं, डिग्री अंश में जो पद है उसकी घात और हर में जो है पद उसकी घात, दोनों की घात समान है। इस प्रकार ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें भाग देना होगा, टू से भाग देंगे प्लस एक्स प्लस थ्री को। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, एक बार जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब जब घटाएंगे तो ये ऋण चिन्ह हो जाएगा और ये फाइनली ऋण और ऋण धन और ऋण और ऋण धन चिन्ह हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस एक्स अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 2x और 3 प्लस 2 मिल जाएगा 5। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को। हमें तो अब हम दिए गए फलन का समाकलन करेंगे। माना i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। इसी पथ को सरल करके हमने ये प्राप्त किया है तो ये हमें मिल जाएगा वन प्लस टू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और फिर ये इसका समाकलन। तो इसे आप वन इंटू डी एक्स डी एक्स लिख सकते हैं और फिर टू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डी एक्स। यहाँ पर जो 2x प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है इसको हम आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करेंगे और फिर उसका समाकलन ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है यह एक है। अब पुनः माना 2x प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये मिला था हमें x माइनस टू और x प्लस वन के गुणनफल से। तो इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। अब जब इसे आप सरल करेंगे तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो यही मिल जाएगा, अर्थात इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त मिल जाएगा हमें x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन को भाग देंगे x माइनस टू से तो भागफल आएगा x प्लस वन, उसका गुणा हम a के साथ करेंगे। तो ये a इंटू एक्स प्लस वन, इसी प्रकार b इंटू एक्स माइनस टू और राइट इसके लेफ्ट साइड में जो अंश है, अंश में जो पद है ये 2x प्लस फाइव है। तो ये 2x प्लस फाइव, हर में दोनों के हर में समान राशि होगी, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक दो है, यहाँ पर लेफ्ट में सरल करेंगे और x के गुणांकों को करेक्ट करेंगे। तो x इंटू देखिए x का गुणा a के साथ होगा और यहाँ पर x का गुणा b के साथ होगा, धन b के साथ, तो ये प्लस b। इसी प्रकार अब अगला कांस्टेंट कौन सा है, a का गुणा 1 के साथ तो आएगा a और b का माइनस टू के साथ गुणा तो माइनस टू बी इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव। अब हम गुणांकों की तुलना करने पर देखिए यहाँ पर x का गुणांक है a प्लस बी, राइट हैंड साइड पर x का गुणांक है दो, तो a प्लस बी इक्वल टू टू और a माइनस टू बी इक्वल टू फाइव, a माइनस टू बी इक्वल टू फाइव। तो यहाँ से हम a इक्वल टू फाइव प्लस टू बी निकाल सकते हैं और इस मान को मान लेते हैं कि समीकरण दो है और ये समीकरण तीन है, समीकरण दो में रख देते हैं। समीकरण दो में मान रखने पर, दो में जब मान रखेंगे तो मिल जाएगा फाइव प्लस टू बी प्लस बी इक्वल टू टू,
टू बी प्लस बी थ्री बी। अब ये 5 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 2 माइनस 5 माइनस 3, तो इस प्रकार आपको मिल रहा है b इक्वल टू माइनस 1। b इक्वल टू माइनस 1 मिल रहा है b इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए या फिर यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो समीकरण 2 से a इक्वल टू 2 माइनस b इक्वल टू 2 माइनस ऑफ माइनस b, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो इस प्रकार मिल रहा है a इक्वल टू 3। a का मान मिल चुका है हमें माइनस 1, a का मान मिल चुका है हमें 3 और b का मान माइनस 1। एक ये विधि है कि हम गुणांकों की तुलना करके उसे सरल कर रहे हैं। दूसरी विधि ये है कि यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है इसमें हम वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 2। आइए वो विधि भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में क्रमशः x इक्वल टू माइनस 1 व x इक्वल टू 2 रखने पर, देखिए x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 शून्य, शून्य के साथ एक का गुणा मिल जाएगा शून्य, तो मिल रहा है b इंटू माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5। यहाँ से 1 माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस 3 बी इक्वल टू 5 माइनस 2 3। सरल करने पर मिल रहा है b इक्वल टू माइनस 1। तो पिछले विधि में आपने जिस प्रकार सरल किया था वहाँ पर भी हमें माइनस 1 मिला था, और इसमें भी हम जब सरल कर रहे हैं तब भी हमें माइनस 1 मिल रहा है। अब जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 2 0, ये वाला पद शून्य हो जाएगा और हमें a वाला पद मिल जाएगा। तो ये 2 प्लस 1 3 और फिर 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 गुना 2 4, 4 और 5 जोड़ देंगे 9, और 9 बटे 3, तो a इक्वल टू 9 बटे 3, तो इस प्रकार आपको मिल रहा है a इक्वल टू 3। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर हम रख देते हैं, अर्थात 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इन मानों को, या यहाँ पर हमने जो 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 निकाला है उसको समीकरण 1 पर रखते हैं और फिर आगे हम उसका समाकलन करेंगे। तो i इक्वल टू था इंटीग्रेशन dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dx अपॉन x माइनस 2, और माइनस 1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dx अपॉन x प्लस 1। अब समाकलन कर देते हैं, dx मिल जाएगा x, 3 ये मिल जाएगा log ऑफ x माइनस 2 और ये मिल जाएगा आपको log ऑफ x प्लस 1, और प्लस c ले लेते हैं जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। यहाँ तक आप लिखते हैं ये भी उत्तर है, यदि और इसे सरल करना चाहें तो आप सरल कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से x प्लस ये मिल जाएगा log x माइनस 2 का क्यूब, और फिर इसे हम माइनस log x प्लस 1 प्लस c। चूँकि आपको पता है कि log m का पावर n हो तो n log m लिखते हैं, इसको रिवर्स में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोनों पद में log है और दोनों का अंतर है, और आपको ये भी पता है कि log m माइनस log n हो तो इसे हम लिखते हैं log m बाई n। उस सूत्र का उपयोग करके यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस log ऑफ x माइनस 2 का क्यूब अपॉन x प्लस 1 और फिर प्लस c। यहाँ तक भी आप इसे सरल कर सकते हैं। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। पांचवा प्रश्न दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x। यहाँ पर भी जब ध्यान दें तो आपको मिलेगा कि अंश में जो पद है उसका घात और हर में जो पद है दोनों का घात एक है, समान है, एक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसको भाग देना होगा और फिर सरल करना होगा। चलिए भाग देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x से भाग देना है एक्स क्यूब प्लस 3 को। एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, एक बार भाग जाएगा, एक के साथ इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x अपॉन। अब सरल करेंगे, घटाएंगे तो ये ऋण चिन्ह और ये धन चिन्ह के साथ आएगा, धन और ऋण ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस 3x, तो इसे आप लिख सकते हैं 3x प्लस 3।
तो अल्टीमेटली आपको यह मिल रहा है कि इस पद को एक्स क्यूब प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स को भाग देने पर आपको मिल रहा है वन प्लस ये जो शेषफल मिला है थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। अब यदि चाहें तो इसको दो अलग अलग पदों के योग के रूप में है अलग अलग लिख सकते हैं, वन प्लस थ्री एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स और फिर प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। और यदि आप सरल करेंगे तो यहाँ पर x है और हर में जो राशि है उसमें भी x है, कॉमन निकाल कर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है वन प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। ये बराबर है एक्स क्यूब प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स के। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं तो माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स क्यूब प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन साइन ये जो पूरा पद है इसको सरल करके हमने लाया है तो वन प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर थ्री अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स डी एक्स। एक का समाकलन x, दूसरा जो पद है इसका समाकलन करने पर आपको मिल जाएगा थ्री इंटू वन बाई टू रूट थ्री लॉग x माइनस रूट थ्री अपॉन एक्स प्लस रूट थ्री और प्लस मान लेते हैं कि दिए गए ये जो पद है इसका समाकलन i2 है। ये कैसे आया, आपने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इससे ये हमें मिला है। अब हम पहले आई टू को सरल कर लेंगे और फिर इस समीकरण में रख देंगे। मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है ये समीकरण एक है, आई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन थ्री थ्री डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये हमें सरल करना है। तो इसे जब आप सरल करेंगे तो आंशिक भिन्नों के रूप में आप इस प्रकार लिख पाएंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स और फिर dx। अब इस पद का समाकलन करने के लिए इसमें दो का गुणा करते हैं और दो का भाग करते हैं और फिर ये इंटीग्रेशन 1x dx। अब देखिए ये इस रूप में परिवर्तित हो गया है कि हर में जो राशि है इसका अवकलन करेंगे तो अंश में आपको जो राशि प्राप्त हो रही है वह मिल रहा है। तो ये इस तरीके से है इंटीग्रेशन साइन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपको मिलता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस राशि को सरल करने पर आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा लॉग एक्स और प्लस सी ले लेते हैं जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है। तो ये हमें I2 का मान प्राप्त हुआ है। अब समीकरण एक से समीकरण एक में हम मान रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा I इक्वल टू x प्लस थ्री इंटू वन बाई टू रूट थ्री लॉग x माइनस रूट थ्री अपॉन एक्स प्लस रूट थ्री प्लस I2 और I2 का मान है वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स प्लस सी। थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं इसको, एक्स प्लस थ्री को आप लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो ये आपको मिल जाएगा रूट थ्री अपॉन टू और फिर लॉग ऑफ एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। पहले इसे आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करेंगे तो हम लिख रहे हैं माना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस प्रकार के आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, घात दो है तो घात एक के साथ में एक अचर एक अन्य कांस्टेंट या अचर पद
और फिर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर में है, तो हम मान लेते हैं सी एक्स प्लस डी है, और फिर ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको सरल करते हैं तो हमें मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा एक्स स्क्वायर, दोनों का गुणनफल ही इसका लघुत्तम समापवर्त होगा। इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड में जो हर की राशि है ये कैंसिल हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में जो हर की राशि है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अंश में आपको मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको सरल करते हैं और गुणांकों को कलेक्ट करके इसकी तुलना करेंगे। चलिए ए एक्स का गुणा इसके साथ करेंगे तो मिल जाएगा थ्री ए एक्स क्यूब, फिर ए एक्स का गुणा ए के साथ करेंगे तो मिल जाएगा ए एक्स, फिर बी का गुणा इसके साथ करेंगे तो मिल जाएगा थ्री बी एक्स स्क्वायर, फिर बी के साथ एक का गुणा करेंगे मिल जाएगा बी। अब सी एक्स का गुणा सी एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो मिल जाएगा सी एक्स क्यूब, फिर सी एक्स का गुणा एक के साथ करेंगे तो मिल जाएगा सी एक्स, फिर डी का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो मिल जाएगा डी एक्स स्क्वायर, और फिर ये प्लस डी। अब उच्चतम घात वाले जो पद हैं ये है घात तीन वाला, तो पहले एक साथ लिख लेते हैं एक्स क्यूब इंटू थ्री ए प्लस सी, फिर घात दो वाले पद हैं ये है तो एक्स स्क्वायर इंटू थ्री बी, और फिर ये है प्लस डी। घात तीन, घात दो और फिर घात एक वाले पद, ये ए और ये सी, तो एक्स इंटू ए प्लस सी, और फिर कांस्टेंट ये बी और ये डी, तो ये बी प्लस डी, और यहाँ पर ये बराबर है एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इस प्रकार हम गुणांकों की तुलना करेंगे तो 3a प्लस सी, यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक 3a प्लस सी है, लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं है अर्थात शून्य है। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3b प्लस डी, और लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक है एक। राइट साइड पर x का गुणांक है a प्लस सी, और लेफ्ट साइड पर है x का गुणांक शून्य। राइट हैंड साइड पर है b प्लस डी, और लेफ्ट हैंड साइड पर कोई कांस्टेंट नहीं है अर्थात शून्य है। तो इन समीकरणों को सरल करने पर सामान्य समीकरण है, आप सरल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा a इक्वल टू ज़ीरो, सी इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू वन बाई टू, और d इक्वल टू माइनस वन बाई टू मिल जाएगा। तो इन मानों को हम यहाँ पर रखेंगे और फिर समाकलन करेंगे। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो मान लेते हैं कि यह समीकरण एक है, और इस समीकरण एक के दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस, यहाँ पर ये माइनस साइन है, माइनस वन बाई टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन देन डी एक्स। सरल करेंगे तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ये है टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला, और इसी प्रकार इसको सरल करेंगे तो वन बाई टू, और फिर यहाँ से हमें थ्री को भी उभयनिष्ठ निकालना होगा, थ्री ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री, और फिर डी एक्स वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई सिक्स, थ्री और टू को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स, इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और फिर इसका समाकलन करते हैं तो वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई सिक्स, फिर आ जाएगा रूट थ्री, और फिर टेन इनवर्स एक्स रूट थ्री प्लस सी। सरल करेंगे तो अल्टीमेटली ये मिल जाएगा। तो यही वह फलन है जो कि दिए गए फलन का समाकलन है।